अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे मैं तोतों को डाल रही थी पालक और धनिया। इनको पालक बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन सब्ज़ी वाला आ जाए और हस्बैंड घर पे हो तो वो ज़रूर लेकर देते हैं कि इनको डाल दो। तो जब मैं इनको पालक और धनिया डालने लगी तो इनके पास पानी भी ख़त्म था और दाना भी ख़त्म था, क्योंकि आज सुबह सुबह उठ के मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया कि मैं इनका दाना पानी चेंज कर दूँ। तो शुक्र है, फिर मैं ये डालने के लिए आई तो मैंने फिर इनका दाना डाला और पानी डाला, और मैं देख रही थी कि ये आ क्यों नहीं रहे। फिर मैंने कहा मैं पास बैठी हूँ ना, इसलिए नहीं आ रहे। तो बस जी, फिर मैं अंदर आ गई थी क्योंकि आज था संडे और संडे वाले दिन अलीज़ा होती है घर पे, और अलीज़ा और आयत मेरे हाथ नहीं आ रही होती। वो सब बच्चे मिलकर खेल रहे होते हैं। अलीज़ा को ये होती है कि मैं अपना संडे इंजॉय कर लूँ, मुझे ये होती है कि इनको मैं ना नहला धुला के अंदर बिठा दूँ और फिर मैं इसके बाद अपने किचन के काम करूँ। क्योंकि मैं उन माओं में से हूँ जब मेरे बच्चे बाहर खेलने गए होते हैं मुझसे कोई काम नहीं होता। मतलब मैं ना मेंटली सेटिस्फाइड होती ही नहीं हूँ। ये मेरी नज़रों के सामने होती हैं ना, घर पे होती हैं, फिर मैं रिलैक्स होती हूँ, फिर मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ ईजी होके, किचन के, घर के, जो भी। ये अंदर कार्टून देखती रहती हैं, खेलती रहती हैं और मैं अपने काम करती रहती हूँ। लेकिन संडे वाले दिन इनको ये होता है हमने बाहर खेलना है, अम्मी के घर खेलना है, इधर गार्डन में खेलना है। तो बस मैंने कहा मैं कपड़े प्रेस करके इनको जल्दी से बहला कर घर लेकर आती हूँ और शावर वगैरह दे के इनको कहूँगी आप लोग अंदर बैठ के खेलो और मैं अपने किचन के काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इनके बातों ही बातों में कपड़े प्रेस कर लिए हैं। और उसके बाद फिर मैं जब इनको बुलाने आई तो ये देखे सीन ही अलग है। यहाँ पे इन लोगों के चिप्स तैयार हो रहे हैं, ये मुबर्रा टमाटर कट कर रही है और इशमल चिप्स बना रही है, आयत उधर खेल रही है बैठी, और ये जो बच्ची बैठी हुई है ये हेल्पर है, हादी के साथ होती है ये, हादी साहब इधर खेल रहे हैं। तो बस इनका अच्छा संडे आज फंडे बना हुआ था। तो ये है, आजकल धूप अच्छी होती है, मतलब इतनी सर्दी आई नहीं है, जो ठंडी हवाओं वाली होती है उसमें फिर मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जाने देती। बस इनको मैं ले आई थी, नहला दिया था और इनके शूज़ पड़े थे धोने वाले। मैंने कहा आज संडे ट्यूशन तो इन्होंने जाना नहीं है, तो ऐसा करती हूँ सरफ के साथ ना इनके शूज़ अच्छे से वॉश कर देती हूँ, बिल्कुल न्यू हो जाते हैं। बस यहाँ पे मैंने इनको शावर वगैरह दिलवा दिया था और ये अंदर बैठी खेल रही थी। एटलीस्ट आपकी आंखों के सामने तो होते हैं ना बच्चे। तो इशमल भी आ गई थी, ये खेल रही थी कपड़े नीचे रख के और उसके ऊपर बैठ के ट्रेन चला रही थी ऊपर वाले बेड पे बैठ के। तो मैं इनके पास खड़ी हुई थी, मैंने कहा आप लोग गिर जाओगे, नीचे आके खेल लो। तो ये मेरी सुन ही नहीं रही थी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, संडे वाले दिन पूरा दिन आप पक पक के आधे हो जाते हो। मेरे साथ तो बहुत होता है, पूरा दिन आप बच्चों के पीछे 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 पीछे। जब आए तो रमल होती है ना, वो मेरे कंट्रोल में रहती है, मतलब वो मैं उनको सारा दिन अपने पास ही घर में ही रखती हूँ। अलीज़ा और इशमल की जिस दिन संडे वाले दिन छुट्टी होती है ना, इनको होती है कि आज तो हम आज़ाद हैं, आज ही तो छुट्टी मिली है, आज ही हमने खेलने हैं, आज ही हमने सारे काम करने हैं। तो बस ये देखें जनाब, इनकी हरकतें चेक करें। उसके बाद मैंने बच्चों को बनाकर दे दिए थे फ्राइज़, क्योंकि मैंने कहा संडे है, चलो पड़े तो हैं मेरे पास, पड़े तो फ्रोज़न ही थे, तो बस वही फ्राई कर दिए थे मैंने और साथ में केचप दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। अलीज़ा कह रही थी मामा मैंने बर्गर खाना है, तो मैंने कहा संडे वाले दिन बच्चों को कुछ तो स्पेशल फील करवाएं ना कि आज स्पेशल डे आप घर पे हो, तो जो भी फरमाइश करोगे पूरी होगी। तो मेरी कोशिश होती है अलीज़ा की हर बात मानूं संडे वाले दिन, तो एटलीस्ट जो कहती है वो बना दूं, आगे पीछे भी बना देती हूँ, लेकिन संडे वाले दिन उसकी स्पेशली रिक्वेस्ट होती है कि मामा मैंने ये खाना है ये खाना है, क्योंकि वो खाती तो है नहीं, बस फरमाइश करनी होती है, तो मेरी कोशिश होती है पूरी कर दूँ। यहाँ पर मैंने चार ब्रेड के स्लाइसिस लेके ना उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, इसमें से मैंने हाफ रख लिया है उसके ऊपर लगाने के लिए ब्रेड क्रम, और हाफ मैंने इसके दोबारा अंदर ही ऐड कर दिए हैं। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ही मैंने नमक का लिया है। एक मैं इसके अंदर अंडा ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास ही रखा हुआ था और मैं डालना बिल्कुल भूल गई थी। यहाँ पे पहले मैंने ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद फिर जब मैंने नज़र दौड़ाई तो मेरे पास ही अदरक लहसुन पड़ा हुआ, फिर मैंने वो डाला और फिर उसको दोबारा से ब्लेंड किया अच्छे से, और
इस बैटर को तैयार कर लिया। उसके बाद जनाब पैटीज बनाने के लिए आपने ले लेना है किसी भी जार का एक लिड और थोड़ा सा क्लिंग क्रैब का पीस ले लेना है आपने। जैसे मैं बना रही हूँ, लिड के अंदर आपने वो रैप रखना है और उसके अंदर फिर बैटर ऐड करना है और उसको हाथों से थोड़ा सा सेट करना है और आपको बड़े ज़बरदस्त साइज़ में बर्गर पैटीज बन के तैयार हो जाएंगी। मेरे पास ऑयल नहीं था, घी था, वो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, ये मैंने घी इसके ऊपर रखा था ताकि बैटर मेरे हाथों के साथ चिपके ना। सो इसलिए बस यहाँ पर मेरी 5 पैटीज बड़ी बड़ी बर्गर के टाइप की तैयार हो चुकी थी और अब इनकी हम कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम लिए थे, एक मैंने अंडा लिया था, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। के बाद ही मैंने एक प्याली के अंदर 2 चम्मच लिए थे मैदे के, 2 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लोर के ले लिए थे और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसके अंदर डाला था मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया था। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप कोटिंग करते हैं। तो बस जी यहाँ पर इनको अच्छे से मिक्स करके और इसके मैं एक बैटर सा तैयार कर लूँगी। पानी आपने बिल्कुल एहतियात से डालना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी पैटीज़ के ऊपर इजीली ये बैटर लग जाए। तो जी बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि लम्स ना बने और साथ साथ इसको मैं बीट करती रहूँगी ताकि हमारा अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। बस इन तीनों चीज़ों को रेडी करके पहले हम इसको इस बैटर के अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, फिर अंडा लगाएंगे, फिर हम ब्रेड क्रम लगाएंगे क्योंकि इसकी डबल कोटिंग होगी और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पैटीज़ बनकर तैयार होती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो बस जी यहाँ पर अब हम इनकी कोटिंग कर लेंगे और इनको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। बस जी यहाँ पे हम अपनी सारी पैटीज़ की कोटिंग करके रख लेंगे। यहाँ पे मेरे पर ब्रेड क्रम कम पड़ गए थे क्योंकि मेरे पास और ब्रेड थे नहीं, सो इसलिए मैंने कम ही लगाया था। अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड। तो बस जी यहाँ पे मैंने इनको इतनी हल्की आंच पे फ्राई किया था, तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट लगा दिए थे और मैंने इसके अंदर ना कांटे से होल भी किए थे ताकि ये अंदर से पक जाए क्योंकि बर्गर के लिए पैटीज़ हम थोड़ी सी मोटी बनाते हैं ताकि बर्गर जूसी और अच्छा बने। सो इसलिए आपने ना इसको बड़े एहतियात से फ्राई करना है तो आपकी इंशाल्लाह अंदर तक से पक जाएंगी, बहुत अच्छी फ्राई होंगी। तो बस यहाँ पे मैंने बर्गर बंस को ना थोड़ा सा ऑयल लगा के तवे पर सेंक लिया था और यहाँ पर मैंने मायो ली है, केचप लिया है और इनको बस थोड़ा सा लगा दूँगी इसके ऊपर और इसके ऊपर रख दूँगी मैं पैटीज़। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो खीरे के स्लाइस और टमाटर के स्लाइस रख सकते हैं, अगर आपके बच्चे खाते हैं, नहीं खाते तो ना रखें। अलीज़ा ने तो निकाल दिए थे, उसके बाबा ने खा लिए थे, इश्मेल ने भी खा लिए थे। तो बस यहाँ पे हमारे मज़ेदार से 3 बर्गर बनकर रेडी हो गए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।